एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और एक सामान्य सी समस्या आजकल समाज में है, लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, अपने जो भी उनके घर में बड़े हैं जिनको वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं और उनकी सेवा करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में आप सेवा की बहुत बात करती हैं, हमने देखा है अपने प्रवचनों में भी सेवा की बहुत बात करती हैं, तो यहाँ पर आप कारण क्या मानती हैं? क्या संस्कार देने में कमी हो गई या कुछ और कारण है कि लोग अपने बड़े लोगों की सेवा नहीं करना चाहते, उन्हें अपने बीच में नहीं रखना चाहते, अपनी लाइफ में ही मस्त रहना चाहते हैं? ज्योति, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर बच्चे खराब हैं तो जरूरी नहीं है सारी जगह बच्चे ही खराब हों। कुछ जगह बड़े बूढ़े भी इतने फंदे खा होते हैं कि लगता है कि इनको संभाला कैसे जाए। और कई बार बड़े बूढ़े बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके बच्चे उनसे अपोजिट हो जाते हैं। तो सभी जगह ये कहना कि बच्चे ही खराब हैं गलत है, या सभी जगह ये कहना बड़े बूढ़े खराब हैं ये कहना गलत है। कमी कहाँ आती है कि हमने परिवेश कुछ और दिया, पंख कुछ और दिए और हमने उनसे एक्सपेक्ट कुछ और किया। हमने उनको विदेश भेजा, हमने उनको परवरिश जो कॉन्वेंट शिक्षा थी उसकी दी, हमने उनको कॉन्वेंट शिक्षा दी, हमने उनको विदेश भेजा, हमने उनको पंख लगाए संसार के और सोच रहे हैं कि वो मेरे पास घर में रहे, वो कैसे रहेगा? एक पक्षी भी पंख होने के बाद अपने घोंसले में नहीं रहता। या तो अगर तुम्हें इस तरह की चाह है कि मेरा बच्चा मेरे घर में मेरे पास रहे, तो उसे वो वाले पंख मत दो जो उसे दूसरी दुनिया दिखाते हो। और अगर दूसरी दुनिया तुमने उसको दिखाई है तो उसे उसकी दुनिया की खुशी को रहने दो और तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। ये चीज दोनों को समझनी होगी। एक बच्चे को अगर ये चीज समझनी है कि मैं अपने माता पिता को खुश देख पाऊं, तो वो वाली दुनिया ना बसाए जो दुनिया उसको कहीं ना कहीं इस वाली दुनिया से अलग करती हो। अगर ऐसा हुआ तो ढोल बन जाएंगे माता पिता भी और बच्चे भी। और यही हो रहा है, यही संघर्ष बच्चों को अनाथ आश्रम में ले गया और बड़े बूढ़ों को वृद्धाश्रम में ले गया। काश एक दूसरे को शुरू से समझा गया होता तो बड़े बूढ़े वृद्धाश्रम में नहीं जाते और बच्चे अनाथ आश्रम में नहीं जाते। जो एक सिस्टम है, कहीं ना कहीं जीवन का एक सिस्टम है कि आप 25 वर्ष एक इस चीज में बिता रहे हैं, आप आने वाला समय आप ब्रह्मचारी हुए, आप गृहस्थ हुए, आप वानप्रस्थ हुए, आप संन्यास्त हो, आपने एक क्रम बना दिया, आपने एक गोल चक्कर बना दिया कि एक छोटा बच्चा पैदा हुआ गृहस्थ के घर में, जिस गृहस्थ के घर में बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के बड़े होते होते गृहस्थ ने उस बच्चे को वानप्रस्थी के हाथ में दे दिया, अर्थात दादा दादी के प्यार में सौंप दिया। अब जो वानप्रस्थी हैं वो कहाँ जा रहे हैं? संन्यास लेकर जा रहे हैं। संन्यास लेकर जब वो वानप्रस्थी गए हैं तो वो जो बच्चा है जो वानप्रस्थी के हाथ में से निकला है वो किसी संन्यासी के हाथ में जा रहा है गुरुकुल में, और वहां से निकल के आके गृहस्थ बसा रहा है। तो एक चैन है, अब उस चैन को हमने तोड़ दिया। अब हम उस चैन को तोड़ने के बाद वापस कह रहे हैं कि साइकिल पहले जैसी चले, तो नहीं चलेगी। ये चीज सबको एक साथ समझनी होगी। गुरु महाराज, अभी बच्चों की जैसे आपने बात करी, आज का वक्त ऐसा है ना, बच्चों के अंदर लगन नहीं है धर्म अध्यात्म को लेकर, वो भागते हैं कि उन्हें कथा में नहीं बैठना, 3 घंटे अपने नहीं खराब करने, ना ही वो ध्यान में वक्त अपना लगाना चाहते हैं, बस वो आधुनिक चीजों में खुद को बांधते चले जा रहे। तो किस तरह का माहौल माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए शुरुआत से ही, जब बच्चे इस हम कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं तब से, ताकि वो धर्म और अध्यात्म सही से समझ पाए? सबसे पहली बात तो जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो हमें खुद जीना पड़ेगा। बिल्कुल, शुरू से। दूसरी बात, जब बच्चा जन्म ले रहा है तो हम उससे वो आशाएं ना रखें जो हमारी हैं। हम उसको उसकी जो कैपेसिटी है उसको नापने दें कि वो किस ओर जाना चाहता है। तीसरी बात, अगर वो बच्चा कथा में नहीं बैठना चाह रहा है, अध्यात्म में नहीं बैठना चाह रहा है, ध्यान में नहीं जाना चाह रहा है, आप उसको जबरदस्ती मत ले जाइए। लेकिन जैसे हर दिन के बाद रात की नींद सबको चाहिए,
मान लो वो दिन में भी काम कर लिया, रात को 12 बजे तक भी काम कर लिया, वो पूरा थक गया, तो अब उसको सुबेरे वाली नींद चाहिए। अब आप उसको कहो कि नहीं तुझे 4 बजे ही जगना पड़ेगा, तो वो नहीं जग सकेगा, क्योंकि वो रात में 1 बजे तक जगा है, वो 4 बजे नहीं जग सकता। अगर वो रात में 1 बजे तक जगा नहीं होता तो 4 बजे जग जाता। यही क्रम लागू होता है कि अगर कोई बाहर की दुनिया में भाग रहा है और वो 3 घंटे की कथा में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि इस वाले समय से इस जगह समय देना ज्यादा कीमती है जी। तो उसको वहां अभी समय देने दीजिए। okay. जब वो वहां समय देगा, कभी कभी अपनी शांति से, अपनी आंखों के धैर्य से, अपनी प्रसन्नता से उसको ये महसूस कराइए कि इनको कुछ मिला है जो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत बहुत स्ट्रगल करने के बाद, कमाने के बाद, फेमस होने के बाद, मेहनत करने के बाद, मैं 24 घंटे में 13 घंटे 14 घंटे काम करता हूँ और मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, फिर भी जो खुशी इनकी आंखों में दिख रही है वो वाली खुशी नहीं है मेरे पास। तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि ये क्या करते हैं जो इनको ये वाली खुशी प्राप्त है। तो वो सोचेगा यार ये वाले 2 घंटे भी कीमती हो सकते हैं, मुझे वहां जाना चाहिए। क्योंकि एक बार दत्तात्रेय भगवान निकल रहे थे सोने के बाजार में से, यदु ने उनको देखा तो वो उनको देखते ही भागा कि मुझे इनको रोकना है। यदु उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका पीताम्बर गिर गया, उनकी अंगूठी गिर गई, उन्होंने पाँव में कुछ नहीं पहना है, तो मंत्री आदि सब रह गए कि राजा ऐसे क्यों भाग रहा है। पता पड़ा यदु जा करके एक फक्कड़ जोगी जिसने मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है उसके पैरों में गिर गए हैं। तो मंत्रियों ने पूछा कि ऐसा क्या है जो एक चक्रवर्ती सम्राट के पास नहीं है और उस आदमी के पास है जी। तो यदु ने क्या कहा कि मेरे पास बाहर सब कुछ है, इनकी आंखों को देख रहे हो, इनके पास भीतर सब कुछ है जी। बाहर वाला खत्म होएगा बिल्कुल, लेकिन भीतर वाला खत्म नहीं होगा। तो मुझे इनसे वो वाला साम्राज्य जानना है जो खत्म नहीं होता। तो जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसे वो भीतर वाली शांति नहीं दिखाई जा रही है। आज कथाओं में हो भी क्या रहा है, अगर मुझी को कहा जाए तो कई कथाएं ऐसी हैं जो मैं खुद 3 घंटे नहीं सुन सकती, जबकि मैं कथा सुनाती हूँ, क्योंकि पता पड़े केवल मनोरंजन सास बहू का हो रहा है या हमने एक इंटरटेनमेंट वाला शो देखा या एक आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट किया, बस उतना ही है। मेरा ये सवाल थे आपसे, आप खुद बता रही हैं सच में। तो वो कैसे सुने जब तक आपको भीतर में कुछ, आप बाहर 14 घंटे मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप कुछ अर्न कर रहे हैं ना। आप वहां पे कथा में 3 घंटे इसलिए बैठे कि आपको लगे कि जो मैं 14 घंटे में अर्न नहीं कर पाया वो इन 2 घंटों में मैंने अर्न किया है। अगर आपको भीतर में कुछ मिल गया तो आपके माँ बाप कहें या नहीं कहें आप वहां भाग कर जाओगे जी। लेकिन आपको भीतर कुछ मिल ही नहीं रहा है और जबरदस्ती बूढ़ी दादी कह रही है नहीं बेटा कथा में बैठ जा बेटा पुण्य हो जाएगा, वो कैसे बैठ जाएगा जी। वो कैसे बैठ जाए। तो मुझे लगता है कि यूथ का कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे वर्ग के लोगों में जो बनावटी पन आ गया है, जो इंटरटेनमेंट परोसने की एक कला आ गई है, जो एक सिलेबस याद कर लिया उस सिलेबस को सुनाना है वो आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को काट रहा है। बिल्कुल सच।